नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के एक और रॉकिंग एपिसोड में। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट है ना, इनके बारे में क्या कहूँ, हम सबके फेवरेट है, इंडिया के टॉप डीजे में से एक है डीजे आकाश। आज उनके साथ बातें होने वाली है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। आकाश भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। वेल, थैंक यू सो मच। और अनिमेश, एक चीज कहना पड़ेगा, शनिवार की शाम अनिमेश के साथ। अरे अनिमेश, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आकाश भाई। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, इस वक्त चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लव मी नाउ की बातें हो रही है, तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। यूट्यूब पे इस वक्त धूम मचा रहा है ये सॉन्ग, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये लॉकडाउन के दौरान डीजे आकाश ने कितना कंसोल को मिस किया, कितने म्यूजिक को मिस किया, और कुछ बताना चाहेंगे लॉकडाउन कैसा बीता। देखिए, लॉकडाउन के दो पार्ट है। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने लॉकडाउन एंजॉय किया, वेरी ऑनेस्टली इंजॉय इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा मोमेंट था कि जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठ करके उन टाइमों को हमने रिवाइव किया जो शायद हम मिस करते थे। समझो, मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके हमने वो बचपन में हम टॉय जोड़ते थे ना, तो मैंने वो टॉय वगैरह जोड़ करके वो पूरा वो एक ट्रैक बनाया, और वो ट्रैक बना के वो गाड़ी और मैनुअली, बचपन की वो पूरी यादें, तो वो कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत ही स्पेशल थे लॉकडाउन के। बट अगर हम काम और कंसोल की बात करें तो डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि लाइव शोज तो हमने काफी मिस किया, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लोगों को एंटरटेन रखा अपने पेज के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर, प्लस काफी हमने लाइव शोज भी किए बट ऑनलाइन, जिसके थ्रू हमने कोशिश की कि लोगों में एक उनकी मुस्कुराहट बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरत थी इसकी, पॉजिटिव रहने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी बोलिए प्लीज, सॉरी। नहीं, पॉजिटिव लाइफ में हाँ, बट पॉजिटिव वो वाला पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं थी। वो ऊपर वाला करे, किसी को ना मिले, वो पॉजिटिव सबका नेगेटिव ही रहे, वो सर्टिफिकेट, वो रिपोर्ट। ओके सॉरी, हाँ कुछ कह रहे थे। नहीं, मजाक कर रहा था, बट आई नो व्हाट यू मीन, पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। और अनिमेश, एक चीज तो आप मानोगे, मैं अगर आप मुझे बोलते हो कि मैंने क्या किया, बट हैट्स ऑफ आप लोगों को है कि आप लोगों ने उस पीक टाइम पर भी आप लोग लाइव रहे हो और स्टेशन जाते रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात रही है जो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को जिनको शायद ये अभी शायद अभी भी नहीं मालूम है कि 91.9 उस समय लॉकडाउन में भी स्टेशन से लाइव था, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क में डाल करके आप लोग वहां पे भी लाइव रहे हो और लोगों में एक पॉजिटिविटी फैलाई है, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड द एंटायर टीम जिमी की, और आपकी सारी टीम को हैट्स ऑफ है इसके लिए। बिल्कुल सर, इसके बारे में बताना चाहूंगा आकाश भाई कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है जिमी सर का ही है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि देखिए, अगर हम घर पे बैठ के शो करते हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। इसीलिए उनका यही प्लान था कि इस वक्त लोगों को जरूरत है, वो कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जी हाँ, हम शो करेंगे। और लॉकडाउन के पहले भी, लॉकडाउन के दौरान भी, और लॉकडाउन के बाद भी हम बिल्कुल लाइव हैं। हर एक शो हमारा जो होता है वो लाइव होता है, फेसबुक पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ये सब नए कॉन्सेप्ट जो है वो जिमी सर ही लेकर आए हैं। वेल, उनको सबसे बड़ा हैट्स ऑफ है, उनका ये आइडिया था, और इसीलिए शायद हम सबके कनेक्ट हो पाए हैं और हमने कोशिश की है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की। अरे सर, मैं जानना चाहूंगा एक बात बताइए आकाश सर, वॉयलेट म्यूजिक रिकॉर्ड की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, इन्होंने करके दिखाया, आपने करके दिखाया, लव मी नाउ को आप लेकर आए जिस गाने को बहुत पसंद किया गया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे ये शुरुआत हुई, किस तरह से आप जुड़े थे नियॉन जीन के साथ, हम सब जानना चाहेंगे वो समय और कैसे हुआ ये लॉकडाउन के दौरान। आपको फ्रेंकली बताऊं, लव मी नाउ एक मजाक में बन गया, क्योंकि जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रैक, ऐसा कोई ट्रैक मेरा आएगा या मैं ऐसा कोई ट्रैक पे काम करूंगा। लॉकडाउन के दौरान हम जस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये गाना वो गाना, क्या रिमिक्स बनाया जाए, क्या नया किया जाए, क्या नया ना किया जाए। बैठे बैठे हमने ऐसी सोचा कि यार, ऑन सोशल मीडिया पे हम बैठे रहते थे तो या ना आधा टाइम हमारा फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या कुछ ना कुछ से कनेक्ट होता ही था। तो कॉस्टी के थ्रू मेरा एक फ्रेंड है, उनके थ्रू मैं ये नियॉन जी से हमारी बातचीत हुई, और हमने उस वक्त ये जस्ट एक जस्ट डेमो के हिसाब से हमने, चले कुछ नया करते हैं, व्हाट टू डू न्यू।
लैंग्वेज एक बैरियर तो था ही, बिकॉज यू नो लाइक डूइंग समथिंग इन इंग्लिश विच हैज बीन अ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर मी. हमने एक चैलेंज को उठाया कि हाँ चल ठीक, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये गाना लिखा भी वो नहीं है, बस हमने इस गाने को सजाया है, अरेंज किया है, एंड म्यूजिक का जो पार्ट है वो मेरा है. बात होते होते हमने गाने को बनाया, सजाया, लिखा. लिखने के बाद में मुझे वो गाना दिया गया, मैंने काम शुरू किया वेरी कैजुअली. फर्स्ट कट बनाया, फर्स्ट कट ठीक था. हमने बोला ठीक है चलो यार, फर्स्ट कट आया है. और आप विश्वास नहीं करोगे, ये बात शुरू हुई थी करीबन मई महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूं. मई से कैजुअली बात करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब हम नवंबर में हम इस गाने को लेके थोड़ा सीरियस हो गए. ओहो, भी गाना अच्छा मजाक मजाक में काम चल रहा था. हाँ, जैसे आप, जैसे क्या होता है ना अनिमेश को, आप जब बैठे हो, कोई कोई गाना क्या होता है, आप भी यार कैजुअली कोई चीज को आप एक एक जैसे आप फॉर एग्जांपल आप होस्ट हो, अब कितने बार क्या होता है आप कोई चीज को ऐसी मस्ती कांच के सामने आप बैठ के मस्ती कर रहे हो या शीशे के सामने बैठ के मस्ती कर रहे हो, आपको कोई एक डायलॉग खुद का ही पसंद आ गया तो वो आपका एक बोलते ना वो तकिया कलाम बन जाता है, तो आप उसको तकिया कलाम बना लेते हो. लाइक सबको पता है कि अनिमेश जब आएगा, मैं हूँ आपका दोस्त अनिमेश, तो सबको पता है कि ये उसका एक पेटेंट स्टाइल है. तो उस तरह से वो भी आपका स्टाइल एक बार में नहीं बना होगा, वो कुछ शायद यू नो ओवर द पीरियड आपका बोलते 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 आप में एक वो स्टाइल बन गया होगा. और अब अगर वो स्टाइल को आप चेंज करो तो क्या होता है कि लोग बोलेंगे अरे यार ये तो वो अनिमेश नहीं है, क्या हो गया, आज वो मूड में नहीं लग रहा है. करेक्ट. तो हमारा भी वही हुआ, हमने इस गाने को जस्ट एक कैजुअल वे में शुरू किया था और बस यही था मन में कि यार कुछ कुछ करते हैं, बट ये नहीं पता था कि कुछ करते करते ये गाना इस तरह से शेप अप हो जाएगा और एक्चुअली हम एक गाना को प्रॉपरली रिलीज करेंगे. तो यही बोल सकता हूं कि मजाक तो नहीं, बट हाँ जस्ट एक वेरी कैजुअल नोट पे हमने शुरू किया था. बट आज खुशी इस बात की है कि उस गाने ने उस कैजुअल अप्रोच ने एक शेप ले लिया एक गाने का और आज ये गाना एक रेडी है जो लोग सुन रहे हैं. बिल्कुल, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है प्लीज जाइए और इस गाने को चेक कीजिए, लव मी नाउ की हम बातें कर रहे हैं. तो मुझे एक बात बताइए आकाश, जैसे कि आपने बताया कि मई के दौरान शुरुआत हो गई थी इस गाने के बारे में सोचना, आप लोगों ने शुरू कर दिया, तो लॉकडाउन का पीरियड था उस वक्त, तो कितना टफ था क्योंकि डिजिटली कनेक्ट करना, क्योंकि हम जाके मिल नहीं सकते हैं, तो किस तरह से आप लोग वर्चुअली या फिर डिजिटली कनेक्ट होते थे और किस तरह से प्लानिंग करते थे, हम सब जानना चाहेंगे. आपको मैं एक हैरानी की बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो तो मैं वर्चुअल शो जिसको बोलते हैं, मैंने वर्चुअल शो 22 मार्च को हमारा लॉकडाउन शुरू हो चुका था टेक्निकली जी, 24 मार्च को मैंने अपना पहला वर्चुअल शो किया था. ओके अच्छा, तो वर्चुअल शो भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं था और वो जस्ट एक कैजुअल की घर पे रुकना, लॉकडाउन शुरू हो गया है, लॉकडाउन में क्या करें, मैंने बहुत कैजुअली वो अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया ऑनलाइन फेसबुक से, प्लग इन करके अपने कंसोल को कनेक्ट किया, कंसोल कनेक्ट हो गया और मैंने ऐसे ही कहा कि यार चलो एवरीबॉडी लॉकडाउन में है, आज कुछ करने को नहीं है, पूरा दिन बहुत ठंडा रहा है, चलिए म्यूजिक कुछ करते हैं. वो एक 40 मिनट का मैंने कुछ प्ले किया था और सरप्राइजिंगली बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला, जो करते करते फिर 24 के बाद नॉनस्टॉप चला. उसके बाद मैंने काफी ऑनलाइन शोज भी डेवलप किए और मैं अपने वेल विशर्स, मैं फैंस तो कम बोलूंगा, मेरे वेल विशर्स बोलूंगा, बिकॉज फैंस तो शायद आज हो या ना हो, बट मेरे वेल विशर्स जो हैं हमेशा, एक्चुअली मैं अपने फैंस को ही वेल विशर ही बोलता हूँ, बिकॉज आज मैं जो हूँ उनके वजह से ही हूँ, तो वो मेरे वेल विशर हो गए. तो मैं ये बोलूंगा कि मैं उनके साथ कनेक्टेड ही रहा और आज भी कनेक्टेड हूं, और थैंक्स टू सोशल मीडिया मैं ये बोल सकता हूं कि दूर से ही सही बट हम फिर भी पास थे सोशल मीडिया के थ्रू. क्या बात, बिल्कुल सही का. तो लव मी नाउ लेकर और ही बहुत सारे सवाल हैं आकाश, मैं आपसे पूछने वाला हूं. आपके फैंस जो हैं, वेल विशर्स जो हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके भी सवाल मैं आपको सुनाऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आकाश, मुझे बताइए कि थोड़ी सी बचपन की बातें करते हैं. आकाश को मैं खुद करीब करीब 15 साल हो गए हैं इंडस्ट्री, 16 साल मेरे इंडस्ट्री में हो गए. आकाश को मैं जानता हूं यार, सबको बताओ मत, सबको मेरी एज मालूम पड़ जाएगी. अच्छा ठीक है, वो कुछ तब पहले की बातें करते हैं जी. आकाश के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो कैसे शुरुआत हुई आकाश रोहिरा, कैसे डीजे आकाश बने, अगर शॉर्ट में आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज. यार जैसे मैंने वो कहा ना कि मजाक मजाक में लव मी नाउ बन गया, आप विश्वास करो ये
भी बहुत ही कैजुअली डीजे आकाश, डीजे आकाश बन गया, और इसका क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स को जाता है क्योंकि जैसे कुछ साल पहले हम लोग जैसे यू नो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हाँ भाई दिस इज अबाउट 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे फ्रेंड्स लोग कैजुअली प्लान कर रहे थे न्यू ईयर पार्टी करनी है। जस्ट कॉलेज वॉलेज खत्म हुआ था एंड कॉलेज के बाद यू नो आपको लगता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमने सबने फ्रेंड्स ने प्लान कर लिया कि एक न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। अब न्यू ईयर की पार्टी प्लान हो गई, अब म्यूजिक कौन प्ले करेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पार्टी में म्यूजिक कौन प्ले करेगा। तो प्लान हो गई, अब सबने कहा यार तेरे को म्यूजिक, तेरे को डीजेइंग का बहुत शौक है, तू एक काम कर, तेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, तेरे पास तो बहुत सारे कैसेट्स एंड सीरीज हैं। एंड उस टाइम में कैसेट्स और सीरीज मैंने मेरे पास एक्चुअली कैसेट्स के कलेक्शन थे, और मेरे कौन सा ईयर था अगर आप बताएं आकाश, कौन सा ईयर था टू बी मोर प्रिसाइज 1998-99। सो वो हमारा पहला न्यू ईयर पार्टी था, जस्ट मिलेनियम ईयर के पहले। तो वो हमने जस्ट फ्रेंड ने किसी के लॉन में हमने प्लान किया कि चलो 10-15 फ्रेंड मिलके एक पार्टी करते हैं। सो उसने कहा, सबने कहा यार तेरे पास तो बहुत सारे कैसेट्स हैं, तू क्यों नहीं म्यूजिक प्ले कर देता है। तो मेरे पास उस टाइम में शायद आई थिंक 7 या 8 सीडीज थे, गिन के 7 या 8। मेरे किसी फ्रेंड के पास 2 थे, किसी के पास 3 थे, किसी के पास 5 थे, सबने अपना स्टिकर लगाया, नाम लगाया, नाम लगा के, क्योंकि उस टाइम सीडी रिटर्न भी लेना है सबको। हाँ, सबसे बड़ी बात, और सब हम लोग चोर थे, हम लोग सब चोर थे, मौका किसी का नहीं छोड़ते थे। अनिमेश आपको याद होगा कि उस टाइम में सीडीज 400, 500, 700, 800 की सीडी होती थी, मिलते थे। हाँ, अगर किसी के पास 10 सीडी हो गए तो बहुत बड़ी बात थी, सीडी प्लेयर होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही। अरे आप तो सीडी की बात कर रहे हो, हम लोग तो कैसेट पे भी नाम लगा के देते थे कि भैया मेरी कैसेट वापस दे देना, और कागज में लिख के रखते थे भैया मेरी कैसेट तेरे को 2 कैसेट दिए याद से वापस दे देना। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरह से एक पार्टी हुई, वहां मैंने म्यूजिक प्ले किया, और वो भी म्यूजिक प्ले किया मतलब क्या, 2 सीडी प्लेयर और 1 कैसेट प्लेयर रख के हमने जस्ट नॉर्मल एक ट्रैक चेंज किया। लकीली लोगों को वो पसंद आ गया और सबने कहा यार तू इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाता है। तो किसी ने मुझे वहां, मेरी एक फ्रेंड की शादी होने वाली थी, उसने कहा कि यार तूने वहां म्यूजिक अच्छा प्ले किया, तू व्हाई डोंट यू प्ले इन माय वेडिंग। आई सेड यार आई एम नॉट अ डीजे एज अ प्रोफेशनल। बोला कोशिश तो कर जी। तो बस वहां से वो जो एक मजाक मजाक में सीडी भाड़ा भाड़ा ले लेके हम लोग बन गए, बस उतर पड़े लाइन पे, और आज जहाँ है बस खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, आप बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, और जिस तरह से आप, हमने देखा है बॉलीवुड मिक्स करते हैं, वो बहुत ही कम डीजेस कर पाते हैं। तो आकाश मुझे बताइए, इसके पहले लेकिन आपने क्या सोचा था, वो जो पार्टी थी 8-10 फ्रेंड्स की, इसके पहले तक क्या सोच रहे थे, क्या बनेंगे आकाश का, क्या बिजनेस करने का प्लान था, फैमिली बिजनेस या फिर कुछ और प्लान कर रहे थे, उसके पहले तक आपने क्या सोच रखा था भाई? उसके पहले तक मैंने 100 करियर प्लान कर लिए थे, सब बन जाऊंगा जिंदगी में। ओके, सब कर लूंगा, मतलब कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर लूंगा, कि ठीक है ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, यार ये डॉक्टर भी अच्छा होता है, पढ़ाई का शौक तो था नहीं अपने को, डॉक्टर भी अच्छा होता है और इंजीनियर भी अच्छा होता है, और यार ये मैंने कोई भी जॉब, मैंने लाइक फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन का भी जॉब अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी अच्छा है, और यार इंडस्ट्रीज बन जाऊंगा। मतलब उस टाइम तो खैर देखो, आप ऑनेस्टली एज अ टीनेजर आपको ये नहीं पता होता है कि एक एग्जैक्ट स्ट्रगल क्या होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। आप सिर्फ देखते हो, हाँ कुछ भी जो आपको गोल्डन दिखता है, बोलते हो यार ये मैं ये बन जाता हूँ। तो आप चल पड़, आप सोचते हो हाँ मैं ये भी कर लूँ जिंदगी में, वो भी कर लूँ, सब कुछ अचीव कर लूँ लाइफ में। बट जब आप एक्चुअली लाइन में उतरते हो, तब आपको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है कि हाँ हाउ लाइक लाइफ इज सो स्ट्रगलिंग। लाइक अगर मैं अभी बैठ के बोलूँ यार मुझे लग रहा है अनिमेश की लाइफ सेट है यार, एज एन आरजे वो पूरा सेट हो गया है, बट सिंस मैं आपसे कनेक्टेड हूं, मुझे पता है कि यू नो इवन सक्सेसफुल होने के बाद आपकी स्ट्रगल क्या है। तो लाइक तब तक मेरे करियर में कुछ श्योर नहीं था, तब तक हम वहीं पे थे कि हाँ कुछ करेंगे, क्या ये तो मुझे भी नहीं पता था। पढ़ाई में था गोल, ठीक है पास होता नहीं था, 40% लाने में नानी आ जाती थी, पिताजी कहते थे यार तू पास हो जा, बाकी कुछ मत कर जिंदगी में, और बस पास होते होते
कभी कभी बोलते ना पप्पू पास हो गया, तो वही वाली हालत है हम लोग की। बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू ने सबको डांस कराया है, और जब आप कंसोल पे रहते हैं तो हम सब बहुत एंजॉय करते हैं, और इसी तरह से आने वाले सालों में भी आप इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहे। वैसे आकाश, एक बार फिर से हम लव मी नाउ की बातें करना चाहेंगे, तो मुझे बताना चाहेंगे अगर आपको इस गाने को अगर एक्सप्लेन करना हो तो मेलोडियस सॉन्ग हम सब जानते हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे इस गाने की कुछ लिरिक्स के बारे में, या फिर कुछ आपकी क्या टेक है इसके बारे में? अनिमेज, द सॉन्ग का टाइटल है वही आपको बताता है कि इट्स ऑल अबाउट लव। लाइक मेरा एक पेटेंट है जो मैं कहता हूँ, जैसे मेरे कहते ही बोलते हैं, जो मुझे कोई भी फ्रेंड मिलता है तो बोलता है आई नो इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, सो इट इज ऑल अबाउट लव। लिरिक्स काफी सूदिंग है एंड यू नो वेरी वेरी सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं म्यूजिक हैज बीन केप्ट इन द टर्म्स की हाँ इट्स अ डांसिंग ट्रैक, बट ट्रैक को इस तरह सजाया गया है कि कीपिंग इन माइंड द लिरिक्स कि ट्रैक बहुत हार्ड ना बने, हमने ट्रैक को बहुत ही सॉफ्ट रखा है। प्लस लिरिक्स के जो अगर आप लिरिक्स के बारे में बोल रहे हो, यू नो लाइक इट इज टॉकिंग अबाउट, आप अपने प्यार के बारे में बात कर रहे हो। अरे वाह, क्या बात। सो क्या जब प्यार की बात आती है तो ट्रैक ऑटोमेटिक प्यारा हो जाता है, तो शायद यही कारण है कि आप जो बार बार बोल रहे हो प्यारा ट्रैक है, तो शायद लिरिक्स जो नियोन जी ने लिखा है शायद वही कमाल कर गया है इस ट्रैक के ऊपर। मेरे से ज्यादा काम, मैं अपने से ज्यादा क्रेडिट पूरी टीम को दूंगा, बिकॉज जिन्होंने ये गाने को लिखा है, उसके बाद जो मिक्स मास्टर का जो जॉब आता है, यू नो जैसे आपको ट्रैक साउंड करता है, ठीक है मैंने ट्रैक को अरेंज कर दिया, बट उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। जैसे हम आपकी भी जिंगल सुनते हैं आज, वो जिंगल का भी जिंगल तो बना लेते हो, वॉइस आप दे देते हो, बट उसके बाद जो इंजीनियर का काम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं पूरी टीम को एक क्रेडिट दूंगा कि आज ये ट्रैक एक मेहनत के बाद और एक काफी प्लानिंग के बाद आज ये ट्रैक खड़ा हो पाया है। और मेरे लिए लव मी नाउ एक चैलेंज इसलिए था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने कहा कि बॉलीवुड, यस बॉलीवुड मेरा फोर्टे है और लोग मुझे बॉलीवुड के लिए जानते हैं, बट हिंदी से थोड़ा हटके इंग्लिश की तरफ जाना और एक इंटरनेशनल फील देना, क्योंकि ये ट्रैक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आने वाला था जी, तो काफी प्लानिंग के साथ इस ट्रैक को बनाया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए काफी मेहनत की गई है, इसीलिए ये ट्रैक जो है इतना हिट हो रहा है। वैसे नियोन जी की जो वॉइस है वो भी काफी काफी अच्छी है, तो उनके वॉइस के बारे में आपका क्या टेक है, कुछ बताना चाहोगे आकाश? सर वॉइस के बारे में मुझे बोलना, एक्चुअली मेरा बोलना बनता नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की वॉइस है, मैं दो मिनट के लिए अगर आप मतलब लाइक जब मैंने वॉइस को पहले सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि एनरिके या कोई यू नो लाइक उस लेवल की, पूरी एकदम उस लेवल की उसकी वॉइस है। इनफैक्ट दो मिनट के लिए मैं सोच ही रहा था कि कोई एक इंटरनेशनल बड़े आर्टिस्ट का नाम डाल देता हूँ। ओके फिर सोचा नहीं यार, यू नो लाइक ऐसा कुछ नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि नियोन जी इज so soft to talk to, like you know आप उनसे अगर बात भी करते हो तो he's very soft spoken, very shy. जैसे मैंने उनसे उनकी पिक्चर मांगी तो उन्होंने कहा कि यार please don't put my picture anywhere, I मुझे थोड़ा सा दूर रखो पिक्चर से, मेरा गला ही काफी है। तो इसीलिए आप हमारे कवर में भी देखोगे किसी के कोई पिक्चर्स नहीं है एंड ना कोई किसी का फोटोग्राफ यूज किया गया है, इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल पिक्चर। और पिक्चर की भी एक मीनिंग है, अगर आप पिक्चर से देखो तो एक दूर कोई खड़ा होकर सोच रहा है जी, अगर ठीक से अगर आप देखोगे जी, मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल आप देखोगे तो सो बेसिकली मुझे लगता है कि हर कोई कनेक्ट कर पाएगा इस पिक्चर के साथ, इस गाने के साथ, इसके लिरिक्स के साथ, म्यूजिक के साथ, हर एक इंसान को लगेगा कि ये मेरी कहानी है, कहीं ना कहीं उसे ये कनेक्ट हो पाएगा। सॉरी कुछ कहिए आकाश, कुछ कह रहे थे, सॉरी बोलिए। नहीं, आप जो कह रहे हो आप ठीक ही कह रहे हो, मैं आपको टोक नहीं था, मैं आपको ही ठीक कर रहा था, मतलब आप ही ठीक बोल रहे हो, कनेक्ट कर पाएगा। और वो दूर खड़े होने का एक बहुत बड़ा कारण है, हमने भी दूर खड़े हो दूर रहते हुए हमने ट्रैक बनाया है। सो और जो आपने कहा ना कि हर आदमी कनेक्ट कर पाएगा, मैं आपसे टोटली अग्री करता हूँ, बिकॉज लिरिक्स जो है जिस बारे में बात कर रही है, हर आदमी उस फेज से जरूर गुजरता है और हर आदमी को प्यार कभी ना कभी होता है, चाहे वो म्यूजिक से हो या किसी ना किसी चीज से हो, पर प्यार हर चीज से होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने सिर्फ गर्लफ्रेंड को एक गाना डेडिकेट करो, या आप गाना जिस चीज से आप प्यार करते हो उसको भी डेडिकेट कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ओके, और भी बहुत सारी बातें होने वाली लव मी नाउ के बारे में, लेकिन आकाश एक दो फनी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ अंदर की बातें आकाश के बारे में जानना चाहूंगा। आकाश, इतने सारे आपने किए हैं, इतने सारे शोज आपने किए, अनगिनत शो किए हैं पूरे वर्ल्ड में,
एक ऐसा आपका ट्रैक जो हमेशा आकाश के कंसोल में रहता है, वो गाना हमेशा आपके पास रेडी रहता है, कौन सा होगा? आपको मैं एक बात बताऊंगा। एक ट्रैक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है पर्सनली, जी दो वो हर जगह नहीं बच सकता है बिकॉज लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे एक ट्रैक जो मेरे कंसोल में हमेशा रेडी रहता है, जो मुझे मौका मिले तो मैं बजा दूं, वो है शादे लाओ। क्या इसका बात, बहुत बड़ा रीजन है शादे लाओ। वो छोड़ के जो मुझे लगता है मेरे कंसोल में एक ट्रैक जो मेरा फेवरेट है, जो अगेन हर जगह मुझे आज तक कभी वो ट्रैक ने पीछे नहीं छोड़ा, वो है नीले नीले अंबर, अरे वाह, जो आई थिंक आप किसी भी पार्टी में बजा दो वो ट्रैक आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। ट्रू। और अगर मेरे पर्सनल रिमिक्सेस की आप बात करते हो तो मेरा एक ट्रैक आया था विच वॉज इन द मूवी वीरसा, यादा, तो वो मेरा हमेशा हर शो में रहता है। ये कुछ ट्रैक्स हैं जो रहते हैं। शादे लाओ इस वजह से मैंने आपको कहा क्योंकि आज अगर मैं जाना जाता हूं तो शादे लाओ का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात, एंड 2003 वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर दैट शादे लाओ। सुपर सुपर। इनफैक्ट सबसे बड़ी मेरे लिए चीज ये थी कि रूना दीदी हैड कम टू कैलकटा टू शूट फॉर एन एपिसोड फॉर अ न्यूज चैनल, फॉर यू नो अ टीवी चैनल, एंड मुझे खास उस शो में बुलाया गया सिर्फ एंड सिर्फ शादी लॉ के लिए, एंड मैं रूना दीदी से मुझे मिलने का मौका मिला। क्या बात, सुपर आकाश। एक हम भी जब शोज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस जो है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। तो अनगिनत शोज आपने किए हैं, कभी ऐसा कोई फनी मोमेंट या कुछ हुआ है कि आप बजाए जा रहे हैं, लोग उधर कहीं घूमे जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है तो उस तरह की सिचुएशन को आकाश कैसे हैंडल करते हैं? कभी आप कभी मत बोलो भाई, कभी नहीं, बहुत बार होता है। और कभी कभी तो हमें अपनी नानी याद आ जाती है, भाई अब हम जी क्या करें। लाइक जी ऐसा नहीं है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आकाश आया है तो शो हिट ही होना है या लोगों को डांस ही करना है। बीइंग अ डीजे इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज आपने से कहा कि अनगिनत शोज, जब भी आप हर शो में जाते हो तो ऑडियंस अलग होती है, अलग हो चुकी है। ऑडियंस डिफरेंट होती है और सेम ऑडियंस आपको नहीं मिलती है। अब वहां मैटर करता है आपका ट्रैक चेंज। और कभी कभी जब आपने कहा ना कि एक्चुअली जब आप बजा रहे हो और पब्लिक आपको ध्यान नहीं दे रही है, तब आपको चिंता होता है यार मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, मैं हूं कि जी नहीं हूं। जी तब उस वक्त आता है आपके पास वो ट्रम्प कार्ड्स, जिसको हम कहते हैं हमारा ट्रम्प कार्ड्स, कि आप वो ट्रम्प कार्ड को बजा के किस तरह से क्राउड को वापस लाते हो। जी और अनिमेश ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा भी हुआ है बहुत इवेंट्स में जहां मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है बट रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि हम आए, मैं आया हूँ खाली हाथ आया हूँ घर, एंड उस वक्त क्या होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, उस वक्त हम 2 दिन तक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 दिन तक डिप्रेशन में चले जाता हूँ उस वक्त कि यार कि कहाँ गलती हो ऐसी गई क्या थी, क्या हो मैंने। गई थी? जी हाँ बिकॉज एज एन एंटरटेनर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं जाके पब्लिक को अपना मैक्सिमम एंटरटेन करूं। तो उस वक्त 2 दिन तक हमारे डिप्रेशन रहता है यार मैंने गलती कहाँ कर दी, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कोई ट्रैक सिलेक्शन कर दिया या मेरे बजाने में कोई कमी रह गई या मैंने ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक हिली नहीं, उस वक्त चिंता शुरू होती है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट शो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अपना एफर्ट और डालते हैं। अगर अगर वो शो हिट हो गया तब तो समझ लो आपको लगा आपने फिर कुछ काम किया, और अगर अगर बैक टू बैक 2 शो में गड़बड़ हो गई तब तो भैया कुछ गड़बड़ नहीं, वैसा आकाश के साथ बहुत कम होता है, अगर कोई एक शो में वैसा होता है तो वो दूसरे शो को हिट करके फिर से बैक टू ट्रैक आ जाते हैं। ये हमने हमेशा देखा है, आकाश के म्यूजिक को कलेक्शन है, म्यूजिक की नॉलेज जो है आकाश आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन आकाश, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप अपने अंदाज में दें, क्योंकि ह्यूमर भी काफी अच्छा है आपका। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप कंसोल पे हैं और आप एकदम बिल्कुल क्राउड जो है पागल हो रही है, अचानक से कोई आया एक कागज लेके, एक गान ट्राई टू प्ले करो, प्ले दिस सॉन्ग, ऐसा भी कभी कभी होता है, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा सिंगर्स और ज्यादातर डीजेस के साथ ऐसा होता है। तो सर वैसे टाइम में क्या करते हैं, गाने के सिलेक्शन जो आ रहे हैं, गाने के रिक्वेस्ट जो आते जा रहे हैं कि भाई प्ले करो, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये डीजे है, इसके पास भी एक कलेक्शन है, ये भी सोच कर आया है उस तरह, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान है, उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, वो अपना गाना सुनना चाह रहा है और उसी से खुश होना चाह रहा है, तो
आकाश क्या करते हैं वैसे टाइम? निमिष बहुत बार क्या होता है देखो, हम आपको बताएं, रिक्वेस्ट तो हम ले लेते हैं, लाइक टिश्यू में लिख के दिया, ठीक है, और कभी कभी आपको बताऊं, सच बताऊं तो थोड़ा गुस्सा भी आता है और कभी कभी थोड़ा चिढ़ भी मचता है कि यार सब तो एंजॉय कर रहे हैं, एक बंदा आता है एंड एंड सबसे ज्यादा चिड़ कब मचती है पता है आपको? जब कोई जाके बोलता है कि अभी बजा दीजिए, हम अभी निकलने वाले हैं, हाँ बताइए। ठीक है, तो अभी निकलने वाले हैं, या तो कभी कभी हम मजाक में उसको बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे, निकल लो, जी ठीक है, या तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं कि मेरे पास गाना ही नहीं है, और कितने बार तो लोग अपना फोन लेके आते हैं। तो दो तीन इंस्टेंस में मैंने क्या किया है, जैसे आप समझो मैं बजा रहा हूं, आपने आपने मुझे फोन दिया, फोन दिखाया, मैंने फोन लेके थैंक यू बोल के पॉकेट में रख दिया आपने, हाँ बिल्कुल सही किया। अब वो बोले नो 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 रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, आई सेड ओ अच्छा नो रिक्वेस्ट, डोंट आई कीप द फोन, डोंट वरी, रिक्वेस्ट मत करो, मैंने ले लिया फोन, रिक्वेस्ट मत हाँ करो, हाँ मतलब उसको बोलना ही चाह रहा हूँ आप फोन लेने के लिए रिक्वेस्ट मत करो, मत मैंने फोन ले करो। लिया, आप चिंता मत हाँ करो। तो उस वक्त मजा ये आता है कि वो फिर मेरे को समझाता है, वो या समझाता है समझाती है कि नहीं नहीं मैंने गाने का रिक्वेस्ट किया, वो अच्छा आई सॉरी आई थॉट कि आप मुझे फोन दे रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो फोन जी रख लेने के लिए। हाँ तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमने यू नो लाइक फिर वो माहौल चेंज हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि सर एक गाना बजा दो, ठीक है बजा देंगे टाइम से। जी और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, विश्वास करो नहीं, जो जो आते हैं बहुत प्यार से बोलते हैं कि यू नो सर ये दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, आपको जब मौका मिले तो बजा दीजिएगा। बिल्कुल, ये होता है सही तरीका, बिल्कुल सही था। तो ऑनेस्टली निमेश मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं मैक्सिमम रिक्वेस्ट बजा दूं लोगों को, बट जो कभी कभी आके बोलते हैं ना कि हम अभी निकल रहे हैं अभी बजा दीजिए, तब हम फिर उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, तब उनको बिल्कुल हैप्पी सही, बर्थडे बोलते बिल्कुल सही। ओके आकाश, 2020 जो है वो निकल गया, हम सबके लिए बहुत टफ टाइम था। अब धीरे धीरे करके मास्क को विदाउट मास्क हम काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी मास्क पहनना बहुत जरूरी है और आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये भी समय जो है वो निकल जाए। तो आने वाले फ्यूचर 5 ईयर्स में कहाँ देख रहे हैं, और भी सिंगल सॉन्ग जो है वो हम देख पाएंगे, आकाश कुछ प्लान कर रहे हैं? अनिमेश। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मास्क जाए या ना जाए, बट मास्क से हमें सिर्फ कोरोना नहीं और भी बहुत सारे फायदे हैं। जी अगर बिल्कुल सही, आप ठीक से सोचो तो, जैसे अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी हम गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, तो जैसे मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है, तो मैं कभी कभी बाइक राइड पे निकल जाता हूँ, और उस वक्त क्या होता है ना, जो मट्टी और जो धूला उड़ती है, जी मास्क हमें उससे भी सेव करता है। बचाता है, करेक्ट। सो प्लस समझो अगर आज मुझे ये जस्ट मैं जस्ट वेरी कैजुअल मैसेज, इट हैज नथिंग टू डू विथ लाइक जस्ट एक थॉट है मेरी कि आज बहुत बार हमें सर्दी भी होती है, तो हमने जब मास्क पहना होता है ना, तो वो सर्दी हमसे किसी और तक जाने की चांस पूरी जीरो हो जाती है। बिल्कुल सही, या अगर मुझे खांसी है तो मैं जब खांस रहा हूं तो मैं किसी और पे नहीं खांस रहा हूँ, आई नो उस वक्त हम एक रुमाल यूज कर सकते हैं, बट स्टिल एक यू नो एक थॉट है कि हम अगर मास्क से प्रोटेक्टेड रहें तो अच्छा ही है, और आज के लिए नहीं इन फ्यूचर ऑल्सो। खैर वो अलग बात है, आने वाले 5 साल तो अनिमेश मैंने खुद नहीं देखा है, बिकॉज 2020 ने हमें बहुत कुछ बता दिया कि कल क्या होगा ये तो हमें किसी को नहीं पता, बिल्कुल सही है। और क्या टाइम आने वाला है ये हम भी नहीं जानते हैं, बट ये कह सकता हूं कि 2021 में कुछ ट्रैक्स मेरे प्लान हैं ऑलरेडी सिंगल्स, जो आई थिंक मेरी टारगेट है एटलीस्ट 4 to 5 ट्रैक्स विच आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, जो 2021 में तो मैं रिलीज कर रहा हूँ, एंड कोशिश करूंगा कि और भी कोलैबोरेशंस मैं करूँ, जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और प्लस इवन इन बॉलीवुड सम कोलैबोरेशंस जो मेरी बात चल रही है, क्योंकि इन द पास्ट मैंने सुनिधि तो चौहान और बप्पी लहरी जी, उषा दीदी और इन लोग से मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोलैबोरेशंस और करूँ, क्योंकि कोलैबोरेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब सीनियर म्यूजिशियन से आप काम करते हो लाइक तन्मय दा, इन लोग के साथ में काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मैं सीख रहा हूं, एंड आई एम श्योर अगले 5 साल जो सिंगल्स मैं निकालूंगा वो तो अपनी जगह है, बट सीखूंगा बहुत कुछ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे सीखूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको इंतजार है। वैसे जब आकाश आपके साथ बातें हो रही है तो DCL की बातें ना हो ऐसा हो नहीं सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमेशा आकाश ने, मैं सबको बता दूं जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, कि हमेशा मुझे ही सबसे पहले आकाश ने ये मौका दिया है और मुझे ही सबसे पहले बताया है कि DJs क्रिकेट लीग कब होगा।
क्या प्लान कर रहे हैं? लास्ट ईयर हमने मिस किया है, कुछ प्लान कर रहे हैं सर इस साल? हो अनिमेश, गए आप हमने विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे, आप एक्चुअली फर्स्ट पर्सन थे। तब तक मैंने डीसीएल पूरा ऑन पेपर्स लिखा भी नहीं था, और मैंने आप ही को बताया था, और मुझे वो जगह भी याद है, सेक्टर 5 में हम बैठे हुए थे और एनिवर्सरी बैच में आप इंटरव्यू लेने आए हुए थे, और मैंने वो न्यूज लीक आउट की थी। और टचवुड, आज वो डीसीएल एक डीजेस के लिए एक क्या बोलता हूं मैं, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे वो दे ऑल लुक फॉरवर्ड टू मिलने के लिए। और डीसीएल 4 हमारा मिस हो गया था ड्यू टू द करंट सिचुएशन, बट डीसीएल 4 2020 में नहीं होके हम 21 में करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो 2020 में नहीं हो पाया 21 में 2 साल का एक साथ कुछ बड़ा करें। क्या बात है, क्या बात है, इंतजार है, हम सब इंतजार है जी, ऑलरेडी इन द पाइपलाइन है। और ये कह सकता हूं कि आप तो डीसीएल के फैमिली मेंबर हो ही हो, और 91.9 भी फैमिली मेंबर है ही है, बिकॉज आज हमारा डीसीएल खड़ा करने में, हमारे को सपोर्ट देने में 91.9 कभी पीछे नहीं रही है, और कोशिश यही, मेरी आशा यही रहेगी कि 91.9 हमारे साथ तब भी बना रहे। और यस, सबसे बड़ी बात यह है कि डीसीएल इज नॉट बाय आकाश रोहिरा, डीसीएल इज बाय अ डीसीएल फैमिली। सो आकाश रोहिरा ने डीसीएल नहीं बनाया है, डीसीएल बना है क्योंकि डीसीएल की एक फैमिली है। और मैं आपको अनिमेश सबसे अच्छी बात बता देता हूं एक चीज, कि जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे डीसीएल में, जिन जिन को हमने अभी तक कॉल किया है कि मैं सोच रहा हूं इस साल डीसीएल करूं, 5 कॉल में से 5 जन ने, खैर अब तो आपके तरफ से भी आ गया कि डीसीएल करो, तो 5 कॉल में से 5 जन ने मुझे यही कहा है कि जल्दी डेट निकालो, लेट्स प्लान। ग्रेट, ग्रेट। सो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि एक फैमिली जो होती है ना, डीसीएल फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर डीजे जिन्होंने अभी तक डीसीएल खेला है, वो मुझे जब भी मिलता है, कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। सो ये जो है ना, ये एक अलग ही मुस्कुराहट लाती है चेहरे के। बिल्कुल, हर बार की तरह हमने देखा है टॉप 3 जो 3 साल जो हुए, काफी अच्छा रिस्पांस नजर आया, इसीलिए सब फोर्थ का भी, सीजन 4 का भी इंतजार कर रहे थे हम सब, और वो होने वाला है 2021 में, इतना तो पता चल गया है। आकाश, एक और सवाल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आकाश, लेकिन आपने एक देखा कि हमने बातें की थी कि हम 15 से 20 मिनट इंटरव्यू करेंगे, लेकिन करीब करीब 1 घंटा होने जा रहा है सर, ये होता है दिल का कनेक्शन। बातें करते करते जी, एक घंटा अनिमेश, मुझे तो सुनाई दिया था कि आप और हम बकवास करने के लिए फेमस थे, आज मालूम पड़ा हम एक्चुअली करते भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और रिस्पांस भी काफी अच्छा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक दो सवाल और मैं आकाश पूछना चाहूंगा, मुझे पता है आप भी काफी बिजी हैं, तो मुझे एक बात बताते जाइए कि कभी ऐसा हुआ है सर कि आप घर से बाहर निकले, अभी हाल में कभी घर से बाहर निकले और कुछ दूर जाने के बाद करीब 5-10 मिनट हो गया, उसके बाद अचानक से याद आया कि कुछ मिसिंग है, मास्क मिसिंग है, ऐसा कभी हुआ सर? 2 बार हुआ है ऐसा जी। और अनिमेश एक्चुअली अब मालूम है आपको, आप अब मानो या ना मानो, मास्क हमारे एक वो बन गया, यूनिफॉर्म बन गया जी। सरप्राइजिंगली मैं 2 बार निकला हूं, मुझे ऐसा लगा कुछ छूट गया है, खाली खाली लग रहा है जी। तो मैंने तो रुमाल निकाल के उस टाइम फिलहाल बांध लिया था, दैट इज रॉन्ग, विच आई शुडंट हैव डन, बट मैं गया, मैंने जाके एक नॉर्मल मेडिसिन शॉप से एक मास्क खरीदा, भले वो नॉर्मल 5 रुपए का ही मास्क था, बट एक लिया और लेके उसको रखा। पता नहीं आजकल ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता ना कि आप पॉकेट में हैंडकरचीफ मिसिंग होती है, right. तो बॉडी से अगर मास्क आपके हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मिसिंग मिसिंग है। और अब तो हमने मास्क भी ऐसे ऐसे बनाए हैं कि पहन के जाना तो बनता है। बिल्कुल जरूरी है, मास्क पहन के रखना बहुत ही जरूरी है। आकाश जाते जाते एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, लव मी नाउ को बहुत पसंद किया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे अपने वेल विशर से, कुछ कहते जाइए। बस मैं यही कहूंगा कि इंक्लूडिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम, आप जो फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की बोलते हो, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल फ्रेंड ऑलवेज, टू एवरीवन बैक देयर एट 91.9, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। और जितने भी मेरे वेल विशर्स, मैंने जैसे कहा कि मेरे सारे फैंस मेरे, मैंने वो मेरे वेल विशर्स से भी बढ़कर के हैं, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर बाय माई साइड, और लव मी नाउ को और मेरे बाकी गानों को पसंद करने के लिए और हर शो में आके मुझे सपोर्ट देने के लिए। तो इसी तरह सपोर्ट देते रहिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और
बस जस्ट प्रे कीजिए दैट डीजे आकाश आप रोहिरा आपको और भी ट्रैक्स देते रहे और आपके साथ इस तरह से चलते रहे, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आकाश हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत सारी दिल की बात हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, बहुत सारी चीजें हमने नई नई जानी, डीसीएल के बारे में बातें की, लव मी नाउ के बारे में बातें की, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बातें की, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट आकाश, थैंक यू सो मच। खाली आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं हुई। हाँ वही बाकी, हम बातें करते हैं इस इंटरव्यू के बाद, हम बातें करते हैं। थैंक यू सो मच आकाश, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड डीजे, डीजे आकाश, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। ये था आप सभी के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एक और रॉकिंग एपिसोड। सैटरडे इवनिंग जो है इससे अच्छी नहीं हो सकती है, कल एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी रविवार की शाम सितारों के नाम में। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।